चंद अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, उनके मायने पहले बता देता हूँ। यतीम अनाथ को कहते हैं जो ऑफन होता है, और जी इसके अलावा मुझे लगता है आप सबकी की कोई परेशानी होनी चाहिए जी। तो मतलब पेश कर रहा हूँ, मिसरा यूँ था कि जब से शहर में अमन हो गया है, जब से शहर में अमन हो गया है, ज़मीन पर ज़्यादा वज़न हो गया है। जब से शहर में अमन हो गया है, ज़मीन पर ज़्यादा वज़न हो गया है। मुफलिस मर गया कल जाड़े की रात, मुफलिस गरीब को कहते हैं, मुफलिस मर गया कल जाड़े की रात, यतीम कंबल अब कफन हो गया है। यतीम कंबल अब कफन हो गया है, और यही रिश्ता रह गया एक हमारे बीच, यही रिश्ता रह गया एक हमारे बीच, कभी जो रिश्ता था ख़त्म हो गया है, कभी जो रिश्ता था ख़त्म हो गया है, और एक ख्वाब जो हमने साथ देखा था, एक ख्वाब जो हमने साथ देखा था, मिट्टी में मिल गया है, दफन हो गया है। और इसके अलावा चंद अशआर से बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये शेर था कि वो डूबती रही फिर भी यकीन कर गई, वो डूबती रही फिर भी यकीन कर गई, मैं झूठ कह रहा था मुझे तैरना नहीं आता, मैं झूठ कह रहा था मुझे तैरना नहीं आता। ये था कि वो इस तरह टूट के रोया मेरी लाश के आगे, वो इस तरह टूट के रोया मेरी लाश के आगे, मुझे भूलना पड़ा कत्ल उसी ने किया था मेरा, मेरा। ये था कि ये है उन यूथ के लिए कि जब तक उनको कंफर्ट जोन से बाहर ना निकालो, कोई कोशन सोशल प्रेशर नहीं पड़ता, तो हम नया कुछ नहीं ट्राई करते। उसमें शेर था मिश्रा देखिएगा कि माचिस की तमाम तीलियां सीली हुई क्या निकली, माचिस की तमाम तीलियां सीली हुई क्या निकली, दो पत्थरों को रगड़ के मुझे आग बनाना आ गया, दो पत्थरों को रगड़ के मुझे आग बनाना आ गया। एक शेर था कि वो दुश्मन है तो दुश्मन ही रहे बेहतर है, वो दुश्मन है तो दुश्मन ही रहे बेहतर है, जो दोस्त बन गया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। वो दुश्मन है तो दुश्मन ही रहे बेहतर है, जो दोस्त बन गया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक गजल के चंद अशआर थे कि जो प्यार से बोल दे सच्चा लगता है, जो प्यार से बोल दे सच्चा लगता है, तुम्हें भूलने लगा हूँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और अभी पत्थर ना उछालो हबीब नादा, यानी मिसिंग फ्रेंड, अभी पत्थर ना उछालो हबीब नादा, शजर पे जो फल है कच्चा लगता है।